इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन में अब तक कई कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिली। टूर्नामेंट में अंपायरों के कई फैसलों पर सवाल उठे, जिस पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी के विरोध पर वाइट बॉल का फैसला पलटने से लेकर राजस्थान के टॉम करन को डगआउट से वापस बुलाने तक अंपायरिंग कई बार विवादों में रही। भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के बीच हुई सोशल मीडिया वॉर भी लोगों में चर्चा का विषय बनी। तो चलिए अब जानते हैं इस सीजन की 5 कॉन्ट्रोवर्सी। नंबर 1, धोनी के रिएक्शन पर अंपायर ने फैसला बदला। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए 29वें मैच में वाइट बॉल को लेकर विवाद हो गया। हैदराबाद की पारी के 19वें ओवर में चेन्नई के शार्दुल ठाकुर की एक बॉल ऑफ स्टंप के काफी बाहर पिच हुई। अंपायर पॉल रफेल ने इसे वाइट देने के लिए हाथ उठाया, लेकिन सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रिएक्शन देखकर उन्होंने तुरंत अपने हाथ वापस खींच लिए। चेन्नई ने इस मैच में हैदराबाद को 20 रन से हराया था। नंबर 2, मयंक जॉर्डन के रन को लेकर विवाद। दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम भी 157 रन ही बना पाई और मैच सुपर ओवर में चला गया। पंजाब की बैटिंग के दौरान 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर मयंक अग्रवाल और केस जॉर्डन ने 2 रन लिए थे। उनका मानना था कि जॉर्डन ने पहला रन लेने के दौरान बैट क्रीज के अंदर नहीं रखा था और रन पूरा नहीं किया था। वही टीवी रिप्ले में साफ तौर पर बैट क्रीज के अंदर रखा दिखा और अंतिम ओवर में पंजाब को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे और टीम सिर्फ 12 रन ही बना सकी और मैच सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर में दिल्ली ने पंजाब को आसानी से हरा दिया। नंबर 3, डगआउट से बैट्समैन को वापस बुलाया। चेन्नई के खिलाफ राजस्थान की पारी के 18वें ओवर में दीपक चाहर की 5वीं बॉल पर अंपायर सी शमसुद्दीन ने टॉम करन को कैच आउट करार दिया। करण ने अंपायर के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की। राजस्थान के पास रिव्यू नहीं बचे थे, इसलिए करण डग आउट की तरफ जाने लगे। इस बीच अंपायर ने आपस में सलाह मशवरा कर निर्णय थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया। रिव्यू न रहने के बावजूद भी डिसीजन थर्ड अंपायर को रेफर किए जाने पर धोनी ने अंपायरों से जाकर बातचीत भी की। थर्ड अंपायर ने जब वीडियो रिप्ले देखा तो उसमें बॉल और बैट के बीच कोई संपर्क नहीं दिखा। वही धोनी ने भी कैच ठीक से नहीं लपका था। अंपायर ने तुरंत अपना निर्णय वापस लिया और टॉम करन को वापस बैटिंग के लिए बुला लिया। नंबर 4, तेवतिया की बॉर्नर और खलील से बहस। लीग के 26वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को रोमांचक मैच में 5 विकेट से शिकस्त दी। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद और खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। राजस्थान के राहुल तेवतिया और हैदराबाद के खलील के बीच बहस हो चुकी थी, जो हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर को ठीक नहीं लगी। इसके बाद तेवतिया, वार्नर और खलील तीनों के बीच बहस देखने को मिली और अंपायर और साथी खिलाड़ियों ने बीच बचाव करने का मामला संभाला। नंबर 5, गावस्कर का कोहली और अनुष्का पर विवादास्पद बयान। इस सीजन का 6वां मैच आरसीबी और पंजाब के बीच में खेला गया। मैच में आरसीबी के कप्तान कोहली का प्रदर्शन खराब रहा था, उन्होंने 2 कैच भी छोड़े थे। इसके बाद कमेंट्री करते वक्त गावस्कर ने कहा था कि कोहली ने लॉकडाउन में सिर्फ अनुष्का की बॉलिंग की प्रैक्टिस की, उससे तो कुछ नहीं बनना है। दरअसल कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें लॉकडाउन के दौरान अनुष्का कोहली को बॉलिंग कराती हुई दिखी थी। गावस्कर इसी वीडियो की बात कर रहे थे। इंस्टाफीड।